मॉर्निंग क्लास, जैसा कि आपने कल पढ़ा था, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में हम मास ऑफ द कंपोनेंट लेते हैं और उसके अंदर हम, ये देखो हमने फॉर्मूला देख लिया है, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, इसका मतलब वो सॉल्यूट की बात कर रहा है, बटे में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू में 100। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। ऐसे ही हम वॉल्यूम परसेंटेज की भी बात कर सकते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अभी ये है वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, हमारे पास ये रहा वॉल्यूम परसेंट ऑफ द कंपोनेंट, हमने लिया वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू में 100। ये आपका सेम वही चल रहा है जो परसेंटेज का था। उससे ऊपर जाते हैं हम, तो अब आते हैं हम जैसे मास बाय वॉल्यूम, ये भी आपको कल करा दिया था। जैसे कि मास मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट भूल लेंगे हम, बटे में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू में 100। आज हम आ रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन में। पार्ट्स पर मिलियन में आपने कुछ नहीं करना, जो सॉल्यूट है वो आपने लिया है ऊपर बटे में सॉल्यूशन इंटू में उसकी 10 की पावर 6। 1 मिलियन बेटा 10 की पावर 6 होता है, ठीक है ना? तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, इसका मतलब कितना सॉल्यूट है कितने सॉल्यूशन में, इंटू 10 की पावर 6 कर देंगे तो वो 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, वो आ जाएंगे। इसे हम पीपीएम भी बोलते हैं। जो ज़्यादातर मेजरमेंट होती हैं वो स्मॉल लेवल पे जब करनी होती हैं, जैसे आपको कोई के कहे कि बताओ आपके जो वाटर है उसमें कितना फ्लोरीन है, तो जैसे कोई कहेगा 10 ppm है, 20 ppm है, तो इट्स मीन 20 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो ये आपका सिंपल है, मास फ्रैक्शन इंटू में 10 की पावर 6। मास फ्रैक्शन मतलब मास ऑफ वन कंपोनेंट जो भी है उसमें बटे में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू में 10 की पावर 6। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन का। उसके बाद आते हैं हम मोल फ्रैक्शन। ये बेटा मैं अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, हर एक की टर्म लेके मैं आपको फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम एक बार इनको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हम एक एक करके इनको स्टडी कर सकें। तो मोल फ्रैक्शन नाम से पता चल रहा है, ये मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू किसके मोल, हमेशा बेटा सॉल्यूट के ऊपर आते हैं, नीचे सॉल्यूशन के आते हैं। वैसे अगर निकालना हो तो अगर कोई आपको पर्टिकुलर कहे कि मास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालो, तो आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट जो भी पूछ रखा है बटे में टोटल मोल्स ऑफ द जो भी सॉल्यूशन होगा उसका। इसका मतलब ये एक तरीके से मोल का फ्रैक्शन है, मतलब दोनों के मोल्स के फ्रैक्शन, ऊपर जिसका पूछ रखा वो बटे में टोटल सारे जितनों का है उनका सबका टोटल मोल्स नीचे डिवाइड कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई दो ही कंपोनेंट से बना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है ये बाइनरी मिक्सचर के लिए ये दिया हुआ है। तो बाइनरी मिक्सचर मतलब का मतलब क्या होता है, बाइनरी मिक्सचर का मतलब है कि उसमें दो ही कंपोनेंट है, एक ए है एक बी है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बेटा मोल फ्रैक्शन को हम, ये जो आपने एक्स दिखाई दे रहा है, ये एक्स नहीं, थोड़ा सा घुमा के, आपको पहले भी साई करके बताया होगा कि थोड़ा घुमा के बनाना है। तो ये एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू किसका होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बटे में, क्योंकि वो दो ही कंपोनेंट से बना था, बाइनरी था, तो उसमें दो ही के मोल्स होंगे, एक एन ए प्लस में एन बी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर किसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि क्या हुआ है उसके अंदर। ये हमने लिया है जब बहुत सारे कंपोनेंट होंगे तो जिस कंपोनेंट का हमें कैलकुलेट करना है बटे में टोटल मोल्स, N1 प्लस N2 जितने भी कंपोनेंट हो, ठीक है? और ये हमेशा बात याद ध्यान रखना कि जब भी मोल फ्रैक्शन जितने हैं, मान लो अगर दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लगाया और उसमें दो ही है तो उन दोनों का जोड़ 1 होगा। अगर तीन कंपोनेंट है उन तीनों का मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर आता है। ये बात कंफर्म है, प्रूव्ड है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है, आगे एक डेरिवेशन में यूज़ भी आएगी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो जैसे इसने क्वेश्चन किया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। देखो वो आपसे पूछ क्या रहा है, पहले तो ये समझो, वो आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, है ना? और आपने क्या करना है,
आपको सिर्फ दिया गया है 20% ग्लाइकोल बाई मास। इसका मतलब ग्लाइकोल क्या है, सोल्यूट है, और बाई मास बोला है इसका मतलब एम बाई एम। तो 20% C2H6O2 ग्लाइकोल का मतलब क्या है कि 20 ग्राम C2H6O2 मतलब ग्लाइकोल घोला गया कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो उसमें सॉल्वेंट निकालेंगे तो मास से कितना आ जाएगा, 100 में से 20 घटा दो 80। इसका मतलब इस 20% ग्लाइकोल बाई मास का मतलब है 20 ग्राम ग्लाइकोल घोला गया है कितने में, 80 ग्राम वाटर में। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने निकालने हैं इनके मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए हमने पहले मोलर मास कैलकुलेट किया है। तो मोलर मास कैलकुलेट किया किसका, ग्लाइकोल का, तो मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मोल्स निकालते हैं जो मास दे रखा है बटे में मोलर मास। तो हमने मोलर मास ग्लाइकोल का निकाल लिया, वो आ रहा है 62। तो ये हमारा आ गया कि हमारे पास 20 ग्राम घोला गया था ग्लाइकोल, तो 20 बटे में टोटल 62, तो ये आ जाएगा हमारा 0.322 मोल। ऐसे ही हम वाटर का निकाल सकते हैं। वाटर जो था वो 80 ग्राम था, 80 ग्राम को डिवाइड किया मोलर मास से। अब वाटर का मोलर मास निकाल सकते हो, दो हाइड्रोजन तो दो, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, तो वो 18 आ गया। तो हमने मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लिया। अब जब हमने मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लिया, ग्लाइकोल भी निकाल लिया, तो हम अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सिंपल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल, इसके लिए हमने क्या किया कि मोल्स लिखो ग्लाइकोल के बटे में टोटल मोल्स लिखो वाटर के भी और ग्लाइकोल के, और जोड़ दो। तो हमने यही किया है, मोल्स आ गए थे ग्लाइकोल के 0.322, तो हमने डिवाइड किया दोनों के मोल से 0.322 प्लस में 4.444 जो मोल्स वाटर के आए थे। तो इस तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है। इसी तरीके से हम वाटर का निकाल सकते हैं। या आपके पास सिंपल तरीका क्या था, सिंपल तरीका था कि हम 1 माइनस निकाल देते तो ऑटोमेटिकली ये आ जाता हमारे पास। तो देखो हमने दोनों तरीके से दिखाया है कि या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, या मोल फ्रैक्शन को आप 1 माइनस 0.068 कर दे वो भी निकाल दोगे। तो ज़्यादा आसान तरीका क्या है, 1 माइनस कर दो अगर वो बाइनरी है तो, दो से बना हुआ है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 11th में भी करवाए जा चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में आए थे। उसके बाद हम आते हैं मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके पेपर के हिसाब से। 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है, अगर आएगा तो इस चैप्टर में से, जब भी आता है कोई क्वेश्चन, तो अगर न्यूमेरिकल बेसिस पे आता है तो ज़्यादातर ये आता है, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से न्यूमेरिकल आता है। तो क्या न्यूमेरिकल आएगा, मोस्टली आता है मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी के बारे में। तो पहले आपको मोलैरिटी पता होनी चाहिए क्या होती है। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोलैरिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व कर दे। देखो ये हमारी आ गई मोलैरिटी, डेफिनेशन के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घोल दिए बटे में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर मिलीलीटर में करेंगे तो इनटू में 1000 कर देंगे। सिंपल है। तो अब हम निकालेंगे कि कैसे इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू में कुछ नहीं होगा, अगर लीटर लेंगे तो, अगर मिली लीटर लेंगे तो इनटू में क्या कर देंगे, 1000। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कह रहा है कि 0.25 मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या है कि 0.25 मोलर सॉल्यूशन है, जिसका मतलब ये है कि 0.25 मोल्स ऑफ NaOH को डिजोल्व किया गया है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है। 5 ग्राम NaOH का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट आपको प्रोवाइड किया गया है, और उसके बाद 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। और मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या था, मोल्स बटे में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका मतलब मोल्स निकालने बाकी हैं आपके। तो हमारा पहला काम था वो हमने कर लिया, मोल्स ऑफ NaOH निकालने के लिए हमने दे रखा है कितना,
5 ग्राम। मोलर मास आप निकालो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, आ गया ना 40, तो वहां से आया है 40, तो 5/40, तो ये आ गया हमारा 0.125 मोल। अब यहाँ पे हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया, मोल्स हमने लिख दिए 0.125, ठीक है ना, बटे में हमने क्या कर दिया 450, क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, मिलीलीटर था इसलिए हमने इनटू में क्या कर दिया 1000, हमारा ये आ गया। इसको हम सिंपल ये लिखा, ठीक है ना, आप कंफ्यूज जाओगे ये यूनिट लिखोगे तो, आप सिंपल लिखो मोलर के पीछे कैपिटल एम, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो आप पीछे 0.278 मोलर लिख के आ सकते हो। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, दूसरा टॉपिक है हमारा मोलेलिटी। थोड़े से बच्चे इसको लेके कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, क्योंकि मोलैरिटी और मोलेलिटी में कन्फ्यूज जाते हैं, तो आपने कुछ कन्फ्यूज नहीं होना बेटा। मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम काउंट हुआ था, मोलेलिटी के अंदर मास काउंट होता है। मोलैरिटी के अंदर जो कैपिटल एम वाला था उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात हुई थी, जो मोलेलिटी होती है उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट बटे में आता है, बाकी ऊपर वाली चीज सेम रहती है। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और उसको कैपिटल एम से डिनोट करते थे। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, किससे करते हैं, स्मॉल एम से, मोलेलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड या प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, बस इतनी सी बात ध्यान रख लो आप और आपका ये पूरा हो जाएगा याद। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहता है कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन, तो ये हमने देख लिया ये हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन, ये दे रखा है ये 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक जो मोल था वो जिसका भी दे रखा है, KCl है KNO3 जिसका भी है, एक मोल KCl या KNO3 जो भी सॉल्यूट दे रखा है डिसॉल्वड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, या कह सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ वाटर। समझ में आ गया, बस यही मेन चीज है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन एक नंबर का आता है वो समझ लीजिए क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक नंबर के हिसाब से, एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बार बार, क्या कि कंसंट्रेशन टर्म्स इतनी आपने पढ़ी, सबकी अपनी अपनी मेरिट्स हैं डीमेरिट्स हैं, लेकिन सबसे अच्छी कौन सी होती है, तो सबसे अच्छी बेटा होती है कौन सी, मोलेलिटी। क्यों होती है मोलेलिटी, अगर मोलैरिटी और मोलेलिटी का कंपैरिजन किया जाए तो मोलेलिटी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मोलैरिटी जो है ना वो जो टेम्परेचर के हिसाब से वो फ्लक्चुएट करती है, लेकिन मोलेलिटी टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं रखती, क्योंकि आपको पता होगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, तो उससे मोलैरिटी की वैल्यू चेंज जाती है, लेकिन जो टेम्परेचर के हिसाब से मोलेलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे जो हैं वो क्या हैं, वो देखो मोल्स हैं, मोल्स में क्या यूज होता है, मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट ही नीचे है, इसका मतलब ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो टेम्परेचर से इफेक्ट खाती हो, इसलिए मोलेलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी, ठीक है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया है मोलेलिटी और मोलैरिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, तो अब ये दे रखा है इसने कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो सारा सब कुछ सिंपल सिंपल दे रखा है, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड ये तो सोल्यूट है, 75 ग्राम बेंजीन ये सॉल्वेंट है, ठीक है ना, मास है, दोनों का मास दे रखा है, तो आप नॉर्मल मोल्स निकाल सकते हैं, ये हमने मोल्स निकाल लिए किसके, इथेनोइक एसिड के, तो ये 2.5, और आप CH3COH का निकालोगे तो 60 आएगा, तो ये आपने निकाल लिया मोल्स इसके।
तो बस फॉर्मूला क्या था, मोल्स लिखने हैं, बटे में मास लिखना है, गुना में 1000 करना है। यही किया है उसने, ये मोल्स हैं, बटे में 20 75 ग्राम बेंजीन था और ये था। तो इस तरीके से हम, और यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं सिंपल, स्मॉल एम भी लिख सकते हैं बेटा इसकी जगह पे, जो इसने लिखा ना मोल पर केजी, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, या सिंपल स्मॉल एम लिख देंगे ना, सिंपल इतना लिख देंगे तो भी आपका सही है। ठीक है, तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा सकती हूँ, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, नहीं तो आप खुद सोल्व करके देखना। ये सारे आसान हैं। एक में मास परसेंटेज निकालनी है, एक में मोल फ्रैक्शन, दूसरे में मोलैरिटी, अगले में सिंपल है कि वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द यूरिया रिक्वायर्ड। मास पूछा है आपको, मोलल दे रखा है तो निकाल सकते हैं, मोलैलिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन दे रखा है, निकालना है ये दे रखा है। अगर इन क्वेश्चंस में से किसी को भी दिक्कत आती है तो आई विल सेंड द सॉल्यूशंस और समझा भी दूंगी अगर फिर भी दिक्कत आती है तो। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज के लिए बहुत है इतना, थैंक यू।